गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन टीचिंग क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर ग्रेड 6। इन अवर प्रीवियस सेक्शन वी रीड चैप्टर 4 फॉर्मेटिंग डाटा इन एमएस एक्सेल में हमने ये सीख चुके हैं टू सिलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल को कैसे रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रैग करके। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है। कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं एंड नंबर ग्रुप में ये सारे थे। आप उसमें एक्स्ट्रा नंबर परसेंटेज वगैरह कैलकुलेशन वगैरह डॉलर वगैरह अगर आपको इंसर्ट करना है तो वो आप नंबर ग्रुप से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टेप 2 फॉर्मेट नंबर्स को फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फॉन्ट वगैरह उसकी छोटा कर सकते हो। ठीक है, डिलीटिंग और रो एंड कॉलम भी कर दिया, सिलेक्ट करके उसको रो एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी फॉन्ट में आप उसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप उसके फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, टुडे अब हम आगे एडिट करेंगे कि आपको इसको क्या बताना है। अब इसमें इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो, कोई भी सेल का। अगर बॉर्डर मीन्स बॉर्डर क्या होती है, हमारी एक लाइन होती है। ठीक है, किसी भी चीज की बॉर्डर क्या होती है, बॉर्डर ये होती है। जैसे हमारा कोई टेक्स्ट लिखा है तो इसके चारों तरफ का ये क्या होता है, ये बॉर्डर होता है। तो इसके ये बॉर्डर डालने के लिए हमारे किसी भी सेल में कोई भी सेल सिलेक्ट करोगे उसका बॉर्डर डालने के लिए क्या है, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसमें हमें बॉर्डर डालना है तो यहाँ पे बॉर्डर आता है। ये यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाता है आपको टॉप बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, कैसा भी देना है। यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ऑल बॉर्डर पे करेंगे तो देखो ये चारों तरफ, इस टेक्स्ट के चारों तरफ क्या हुआ, एक सेल में बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्रुप में ये सारे अलाइनमेंट हैं, मतलब कि आपके ये पूरी जो कोई भी रेंज सिलेक्ट करोगे पूरी इसकी अलाइनमेंट, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनकी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हो। अभी देखो इस साइड में सारे अलाइनमेंट हैं, अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे सेंटर में हो जाएंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट दी हुई है, मतलब जो आपका टेक्स्ट है या नंबर्स कुछ भी लिखा है वो यहाँ से अलाइनमेंट हो जाएगा, सारा इस साइड में हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ से राइट साइड में हो जाएगा एंड ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैप टेक्स्ट है। ये आपका अगर आप किसी भी सेल में लिखोगे, अगर बड़ी सी चीजें ढेर सारी चीजें लिखोगे तो ये आपका क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या होगा, एक सेल में इस तरह रैप होके आ जाएगा। ठीक है, अब मर्ज सेल भी सीखना है। इसमें आगे मर्ज एंड सेंटर किया है तो ये इसी टेक्स्ट को मर्ज करके सेंटर में कर देगा। ये मर्ज एंड सेंटर में करेंगे तो ये इस तरह मर्ज करके ये टेक्स्ट सेंटर में राइट कर देगा एक ही सेल में। ओके, नेक्स्ट है हमारा टू अलाइन सेंटर, ये हो गया। नेक्स्ट आपको बताना है नेमिंग वर्कशीट। वर्कशीट है जो आपका, ये वर्कशीट का नेम कैसे चेंज कर सकते हो। ये आपकी वर्कशीट यहाँ नीचे है, आप इसके यहाँ पे नेम शीट 1, शीट 2, शीट 3 है तो यहाँ पे क्या करना है, डबल शीट पे जाके डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये होता आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करोगे तो रीनेम आता है। रीनेम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इसको जो नेम है उसको आप डिलीट करके आप अपना नाम लिख सकते हो कुछ भी, जैसे डाटा है, डाटा 1, 2, 3 कोई भी चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको डिलीट भी कैसे, अगर आपको ये पूरी वर्कशीट अगर आपको नहीं चाहिए डिलीट करनी है तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे और डिलीट कर दोगे तो यहाँ से वो देखो वो पूरी फाइल डिलीट होगी, हमारी शीट 4 डिलीट होगी। और यहाँ से हम शीट ऐड भी करते, यहाँ से करोगे तो वो शीट हमारी ऐड होती जाएगी। ठीक है, आपके इस चैप्टर में इतना था एमएस वर्ड में। ठीक है, आपका ये फॉर्मेटिंग सेल भी है, फॉर्मेटिंग सेल्स
एक और है सेल्स की, कैसे स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा डाटा लिखा हुआ है तो इसकी स्टाइल्स वगैरह कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे सेल स्टाइल स्टाइल्स ग्रुप में आपके होम टैब में ये स्टाइल्स ग्रुप आता है, यहाँ पे सेल स्टाइल से आप उसकी चेंज कर सकते हो। सिलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल में क्लिक करेंगे, सेल स्टाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सारा आ गया। कोई ये जो सिलेक्ट किया है आपने, यहाँ पे किसी भी पे ले जाओगे वो आपका स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये पूरे सेल का कॉलम का डिजाइन चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा अपने आप। अगर एक बार आपने कोई चीज सिलेक्ट कर लिया है, अगर आपको ये डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करके फिर सेल स्टाइल में जाओगे। अगर आपको नॉर्मली करना है तो यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन आता है, क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल में चेंज हो जाता है अपने आप स्टाइल देने के बाद भी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।